कहते हैं कि गंगा किनारे बसी भारत की आध्यात्मिकता से सराबोर काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशिनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसीलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा है। उत्तर प्रदेश की इसी मोक्षदायिनी काशी के हृदय में एक संत रहते हैं, जिन्हें सभी लोग दंडीदारी धर्मदत्त के नाम से जानते हैं। अब तो उनका नाम शाश्वत, हंसी और गहन ज्ञान का पर्याय बन गया है। पौरुषे वेदों द्वारा प्रतिपादित जो सनातन धर्म है, उसका भारतवासी सदा पालन करते हैं। इसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान का विविध अवतार होता है। कोई भी उस क्षण का पता नहीं लगा सका जब उन्होंने सोने के लिए अपनी आंखें बंद की हो, क्योंकि आज तक काशी के लोगों ने उन्हें केवल जागते हुए ही देखा है। धर्मदत्त को अक्सर काशी के पवित्र घाटों पर बाबा तुलसी की चौपाई और कबीर के दोहे बोलते हुए ही पाया गया है। उनकी आवाज संकरी गलियों में, हलचल भरे शहर के बीच में भी एक शांत स्वर में गूंजती है। उन्होंने भारत की समृद्ध विरासत का वर्णन इतने अनूठे ढंग से किया कि सुनने वाला हर कोई मंत्रमुग्ध हो ही जाता है। निर्गुण निराकार, सगुण साकार, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, पूर्ण सत्ता पूर्णतम पुरुषोत्तम, अखंड सचिदानंद कंद, शुद्ध बुद्ध मुक्त, सर्वतंत्र स्वतंत्र, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ, प्रभु की असीम अनुकंपा से जीव के युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतरों के अखंड पूर्ण पुंज जब पुष्पित होते हैं, तभी जीव का जन्म भारत वर्ष में होता है। जब कभी धर्मदत्त महाराज काशी के भरे बाजारों में टहलने के लिए निकलते हैं, वहां के व्यापारी श्रद्धा और आस्था के साथ संत को भोजन निवेदित करने की आशा में उत्सुकता से उन्हें अपनी दुकानों में आमंत्रित किया करते हैं। चाय और पान बेचने वाले भी उनका इंतजार करते हैं। उनका मानना है कि उनकी सेवा करने से उनके दिलों को बहुत खुशी और तृप्ति मिलती है। जब भी उनके पास फुर्सत का समय होता, धर्मदत्त नाव में बैठ जाते और श्लोकों का उच्चारण करते और कविताओं का पाठ करते। उनकी उपस्थिति में गंगा की लहरों के स्वर छम छम करते और तीव्र हो जाते। ऐसा लगता है जैसे नृत्य कर रहे हो। काशी के मठ मंदिर धर्मदत्त महाराज की चर्चाओं से गूंजते रहते हैं। शहर में आने वाले पत्रकार रहस्यमय संत का साक्षात्कार लेने के लिए उत्सुक होकर लगातार उनकी तलाश में रहते हैं। उन्होंने काशी की भूल भुलैया भरी संकरी गलियों और सड़कों से इस तरह अपना गहरा परिचय बना लिया है मानो पत्थरों ने ही उन्हें पहचान लिया हो और उनके सम्मान में आंखें बिछाए रहते हो। जैसे काशी की एक महकती हुई सुबह अचानक पूरा शहर तेज हवाओं और वृक्षों की डाल पर लगे पत्तों की सरसराहट से भर गया। संभलते हुए मैंने देखा, दूर कहीं से भगवा वस्त्र में दंडीदारी धर्मदत्त महाराज अपनी शाश्वत हंसी बिखेरते हुए एक ताल से चले आ रहे हैं। दंड पर लगा उनका ध्वज उनकी आने की उद्घोषणा कर रहा था और समीप आते ही सब शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं, जैसे सुगंधित हवाएं और वृक्ष उन्हें छूकर तृप्त हो गए हो। ये तुलसी का घाट था जहां मुझे इस विराटता का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। और उसी दिन एक भावपूर्ण संध्या में, जैसे ही मंदिर की घंटियां बजने लगीं और गंगा आरती शुरू हो गई, इस आध्यात्मिक दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से यात्री एकत्रित हुए। रिक्शा चालकों ने श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। उनकी पसीने से भीगी भौहें उनके द्वारा किए गए प्रयास को दर्शा रही थीं। इन सब के बीच धर्मदत्त महाराज शालीनता से चले, उनकी आभा से शांति झलक रही थी। वह गुरुकुल के उन बच्चों के सिर पर हाथ फेरने के लिए रुके जो उन्हें बहुत मानते थे। शंकराचार्य के गुरुकुल का उनके हृदय में विशेष स्थान था और परस्पर भावना थी। इतिहास और आध्यात्मिकता से सराबोर इस शहर को जीवित संत श्री धर्मदत्त महाराज में अपने होने का आधार मिला है। उनकी हंसी शाश्वत नदी की तरह
काशी में बहती है और इसे सुनने वाले सभी को सांत्वना मिलती है और हृदय में गुंजायमान रहती है। उनकी उपस्थिति में शहर का अतीत, वर्तमान और भविष्य एकाकार हो जाता है। यह भक्ति और ज्ञान का सामंजस्यपूर्ण चित्रांकन के पूर्ण होने का प्रतीक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्वाण